thus those are supreme court the collegium considers that at present justice k m joseph who hails from kerala high court and is currently functioning as chief justice of uttarakhand high court is more deserving and suitable in all respects than other chief justices एंड सीनियर प्यूनी जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर बींग अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट में अपलोड हुआ जनवरी बीत गया फरवरी बीत गया मार्च बीत गया आज हम अप्रैल में हैं ऑलमोस्ट अप्रैल और आज सुना है कि सरकार ने फाइल वापस करके कहा है कि इस पर दोबारा विचार होना चाहिए और यही आरोप हम लगा रहे थे केंद्र सरकार पे कि वो केवल वही जजेस चाहती हैं हमारी केंद्र सरकार जिन पे उनकी सहमति हो कानून कहता है कि जो कलिजियम चाहता है वही अपॉइंट होगा ये सरकार चाहती है कुलिजम कोलिजियम जो भी कहे रिकमेंडेशन हम उसको नज़रअंदाज करेंगे हम उसको पेंडिंग रखेंगे हमारी पसंद का नहीं होगा तो हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे उसकी मंजूरी नहीं देंगे और यही बात हम कितने हफ्तों से महीनों से बात करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जुडिशरी खतरे में है अगर हमारी जुडिशरी एक आवाज में इकट्ठा खड़े होकर अपनी स्वायत्तता की सुरक्षा नहीं करती तो फिर लोकतंत्र खतरे में होगा हालात ये हैं और यह भी आपको मैं दे दूंगा कि इस समय 771 सौ सेंट स्ट्रेंथ है सारे हाई कोर्ट के जजेस की सात सौ इकहत्तर परमानेंट तीन सौ आठ और टोटल स्ट्रेंथ एक हजार उनासी वन जीरो सेवन नाइन उसमें चार सौ दस है आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से किस तरह से सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर रही मंजूरी नहीं दे रही ये अपने लोगों से हाई कोर्ट्स को पैक करना चाहती है क्या एक स्वर से जुडिशरी खड़े होकर बोलेगी कि इनाफ इज इनफ आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हमारी अपॉइंटमेंट्स को और यही मुद्दा लेकर हम देश के सामने महीनों से रख रहे हैं अगर के एम जोजफ के बारे में वेबसाइट में लिखा है कि उससे ज्यादा काबिल कोई और जज है नहीं तो लगता है कि केंद्र सरकार को काबिल नहीं लगता अब मैं उन वकीलों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आज खड़े होकर वो जुडिशल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की सुरक्षा करेंगे और बयान देंगे केंद्र सरकार के खिलाफ क्या वो लम्पिटी करेंगे ये सवाल तो उठता है नहीं भाई ऐसा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सराब जी साहब नारीम साहब इस मुद्दे पे बोलेंगे क्योंकि ये तो जुडिशरी की स्वायत्तता का मुद्दा है ना ठीक है ना तो अब हम देखते हैं कि कब बोलेंगे कैसे बोलेंगे किस स्वर में बोलेंगे किस अंदाज से बोलेंगे किस कन्विक्शन से बोलेंगे हम हम उसका इंतजार करेंगे या लम्पिट करेंगे उसका हम इंतजार करेंगे ना और जो लोग कैप्टिव uh, मीडिया में जाकर हमें जेल भेजना चाहते हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि अब वक्त आ गया आपके भी बोलने का हम उसका इंतजार करेंगे कि आप क्या बोलोगे और किस कैप्टिव टीवी पे जाकर बोलोगे गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फर्स्ट सामबडी शुड सेव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग ऑन टू दैट रिकमेंडेशन फॉर फॉरमन्स what is the reason for that? you don't agree, you should send the file back and give reasons. but you don't hold on. Come to, a, come to a situation. as you know, the six judges are going to retire. at the moment, the strength of the supreme court is 31. the total num number of judges in supreme court today are 24. there are no seven vacancies are there. So that means there is an urgent need to appoint judges. why are they holding on to the file? six judges are going to retire this year so the strength will be reduced from 24 to 18 and if this is the attitude of the government then a litigant will suffer only litigants will suffer nobody else will suffer government do, it, it, it doesn't see if government was concerned about the litigant they would have not kept the file for four months because because of this file other recommendations were not made so obviously the government's attitude is we don't care तो मैं पूछना चाहता हूं रविशंकर जी से कि अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो तो वो क्या वो ही आप करने वाले हो आप भी कोई जज नहीं बनने दोगे आप भी सुपर सीट करोगे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका भी मंशा यही है ऐसा है अगर आगे बढ़ना हो ना तो पीछे देखकर कभी आगे आदमी नहीं बढ़ता इतिहास में जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप तो आप तो आप तो कहते थे कि देश बदल रहा है मैं कहता हूँ देश बदल चुका है और वो शक्ल जो है ना इस देश की वो सारा हिंदुस्तान जानता है क्या रविशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं क्या उनके मंत्री कर रहे हैं वो सारा हिंदुस्तान जानता है किस तरह से वो जुडिशरी से व्यवहार कर रहे हैं वो सारा हिंदुस्तान जानता है उनसे पूछिए कि कितने हाई कोर्ट के जज हैं जो एक ही स्टेट से वहाँ बैठे हुए हैं कई ऐसे जज हैं और ये उनसे पूछिए अब यही मंशा उनकी साफ है कि हम जोसेफ साहब को नहीं बनने देंगे ये तो साफ हो गया ना क्योंकि मुझसे पूछिए रविशंकर प्रसाद जी से उनको कानून का थोड़ा बहुत तो ज़रूर मालूम है तो उनसे ये पूछिए कि कब उन्होंने कब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई थी सीनियर ऑल इंडिया सीनियोरिटी के हिसाब से यह पूछ लीजिए जरा कभी यह मापदंड आज तक इतिहास में हुआ है कि ऑल इंडिया सीनियोरिटी देखी जाएगी वो तो यही यही जानते हैं कि जोसेफ साहब इज द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ही इज द सीनियर मोस्ट और कुलीजियम कहता है ही इज ऑल्सो द बेस्ट तो वो उनको पसंद नहीं उनसे पूछिए क्यों जरा हमें भी पता चल जाए हमें पता चल जाएगा ना तो जनता को भी देश की जनता को भी पता चल जाएगा उनको पसंद क्यों नहीं आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इन माई टेन्यूर आई हैड एनी कॉन्फ्रेंटेशन विद द जुडिशरी यू गिव मी वन एग्जाम्पल राइट सो यू सेट ऑल्सो हैड आई हैव नैट राइट वी ऑलरेडी ऑलवेज एक्सेप्टेड वॉर द कोलीजियम सेट बिकॉज दैट्स द लॉ नंबर टू दैट दे आर वेरी कंसर्न अबाउट एस टी एस टी इज नाउ इज इट बिकॉज द कर्नाटका इलेक्शन इज ऑन Why did they not think of SCSTs in the last four years? They came to power in 2014. So in the last four years, which SCST judge have they recommended? And the other argument about seniority, has it ever been the basis of elevation to the Supreme Court? Never been. Right? And if about it's a question of representation of states, in one particular state, there are four judges sitting there. Even now. So were they worried about that? So, why give spurious, illogical, ill thought reasons if you don't want to appoint somebody? Have the courage to say, I will not appoint him. Why, 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 why sort of uh, uh, try and make a fool of the public?